डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज महाराष्ट्र स्टेट के पूना में मुनाक़िदा राइफल शूटिंग मुकाबलों के लिए नांदेड़ से दो तालिबात को मुंतखब किया गया है। 63 नेशनल स्कूल गेम खेल मुकाबलों में नांदेड़ के दो होनहार खिलाड़ियों का इंतखाब अमल में आया है। ये दोनों खिलाड़ियों को इस मुकाम तक ले जाने में राइफल शूटिंग गेम के कोच सैयद इम्तियाज़ हुसैन अबरार ने गैर मामूली रोल अदा किया है। ये मुकाबले पूना में हो रहे हैं। 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के दौरान पुणे के बल्लेवाड़ी स्टेडियम में ये खेल मुकाबले हो रहे हैं। मुकाबलों का इनेखाद रियासती हुकूमत के डायरेक्ट्रेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज महाराष्ट्र स्टेट पुणे की जानिब से किया जा रहा है। अंडर 14 में नांदेड़ से सना इंटरनेशनल स्कूल की तालिबा सैयदा तैयबा सदफ बिनत शकील और अंडर 19 में महक फातिमा बिनत मोहम्मद जुनेद के नाम शामिल है। तायबा सदफ का नेशनल मुकाबलों में इंतखाब होने पर उनके मकान में एक तहनीती तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में वार्ड नंबर 18 के नुमाइंदा कारपोरेटर विलास धबाले, नुमाइंदा कारपोरेटर रमेश गोड़बोले, कारपोरेटर अब्दुल फहीम गंगाधर लोने और नईम खान की जानिब से तायबा सदफ और सैयद शकील का पुरजोश इस्तकबाल किया गया और उन्हें मुबारकबाद पेश की गई और मुस्तकबिल में कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात जाहिर की गई। 64th नेशनल स्कूल गेम्स जिसमें एयर राइफल शूटिंग में पूना में होने जा रही है गेम्स बालेवाड़ी में, जिसके लिए नांदेड़ से दो स्टूडेंट्स जो है सेलेक्ट हुए हैं नेशनल में, तायबा सदफ शकील अहमद एक है और आफरीन फातिमा मोहम्मद जुनेद शरीफ। ये दो लड़कियां जो है स्टेट लेवल टूर्नामेंट जो हुआ था पूना बालेवाड़ी में ही मुनक़िद किया गया था स्कूल गेम स्टेट लेवल पर, ये लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किए जिसकी वजह से इनका सिलेक्शन नेशनल गेम्स में हुआ है और ये अब महाराष्ट्र टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और तवक्का है अच्छे से अच्छा जो है रिजल्ट आएगा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सबसे पहले तो अल्लाह सुबहान तआला का कि इन स्टूडेंट्स ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट एयर राइफल शूटिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी विक्रांत खेड़कर सर है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसी के साथ ये दोनों स्टूडेंट्स जो है जिस स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं सना इंटरनेशनल स्कूल, जिन्होंने काफ़ी एफ़र्ट्स लगाए हैं इन स्टूडेंट्स को राइफल शूटिंग गेम्स में इम्प्रूव करने के लिए, तो मैं एहतशामुद्दीन सर का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। गुड विशेस देता हूँ, स्टूडेंट अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। है मैं सर फर्स्ट ऑफ ऑल इस ऑर्गेनाइजेशन के जो नांदेड़ में चलाने वाले हैं इम्तियाज़ हुसैन सर, मैं उनका शहदिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म सेट किया, अल्लाह ताला ने उनको ज़रिया बनाया इन बच्चों को आफ्ताब ज़र्रे से आफ्ताब बनाने का। उनकी मेहनतों उनकी काविशों से आज राइफल शूटिंग के अलावा भी उन्होंने टेबल सॉकर के अंदर भी बच्चों को कामयाबी से मुनक़द किया। उसके अलावा सना इंटरनेशनल के मैनेजमेंट टीम का और एहतशामुद्दीन का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इम्तियाज़ अबरार हुसैन जैसे सर के मद्देनज़र एक प्लेटफॉर्म सेट किया है कि स्टूडेंट को एक माइनॉरिटी के स्टूडेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल इतने बड़े मुकाम पर पहुंचाने के लिए उन्होंने जो भी मेहनतें काविशें की हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूं। और एक मेरी जो लड़की है जो क्वालिफाई हुई है और दूसरे भी है, मैं मुबारकबाद देता हूं इम्तियाज़ हुसैन सर को और उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम सभी यहाँ पर एक छोटे से जो प्रोग्राम रखा है उसको मुनक़िद किए, उसके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ इम्तियाज़ अहमद सर का और यहाँ के हमारे जो कॉरपोरेटर हैं विलास धवाले साहब, रमेश गोड़बोले, अब्दुल फहीम और मोहम्मद सैयद शोएब हुसैन का, जो यहाँ पर आकर मेरे बच्ची को रिस्पॉन्ड किए, इंकरेजमेंट दिए, जो आगे चलकर जो नेशनल के गेम्स होने वाले हैं पूना के अंदर उसके लिए बच्ची का जो सिलेक्शन हुआ उनके आने से एक बच्ची को इंकरेजमेंट मिले। वार्ड की बच्ची इन्हें तैबा सना इन्हों महाराष्ट्र में फर्स्ट आए वाले है अभी राइफल शूटिंग में, अभी इन्हें जा रहे हैं नेशनल खेलने के लिए। इस बच्ची को हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई और हमारे वार्ड का नाम तो रोशन किए के लेकिन महाराष्ट्र का तक नाम रोशन कर रहे उन्हों और दिल्ली जाके पूरे भारत का नाम रोशन करेंगी बच्ची, इसके लिए हमारी इसको बधाई यहाँ से हमारे चारों नगर सुख तरफ से मेरी शुभकामनाएं इनको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, माय सेल्फ सैयदा तायबा सदफ डॉटर ऑफ सैयद शकील। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव थैंक अल्लाह सुब्हानहू तआला दैट आई हैव क्वालिफाइड फर्स्ट नेशनल लेवल। माय कोच इम्तियाज़ अबरार हुसैन सर हैड अफोर्ड मी टू मच टू गिव दिस सेलेक्शन एंड इंशाल्लाह आई विल क्वालिफाइड फॉर नेशनल लेवल ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू टेल दैट डेली हैव practice 3 or 4 hours for our selection for national, so I request you all that pray for me or dua that I will qualify for national level. Thank you.